हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए तीन तरह की ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिक्स लस्सी, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में ये रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। पहले हम बनाएंगे केसर पिस्ता आइसक्रीम मिक्स लस्सी। इसके लिए हमें ठंडी और गाढ़ी दही चाहिए, उसके साथ थोड़े से कटे हुए पिस्ता बादाम, स्वाद के हिसाब से चीनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने केसर पिस्ता आइसक्रीम लिया है, जो आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगे। पहले एक ब्लेंडर लेंगे। अभी उसमें मैंने यहाँ पे आधा कप दही डाला है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से लीजिए। अभी उसमें स्वाद के हिसाब से चीनी लेंगे, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी लिया है। अभी उसमें केसर पिस्ता आइसक्रीम डालेंगे, मैंने यहाँ से 1 से 2 स्कूप लिया है। अभी उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आपको ज़्यादा नहीं डालना है, तो ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा केसर पिस्ता लस्सी बनके रेडी है। अभी इस ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिक्स लस्सी को एक ग्लास में हम भर लेंगे। अभी उसके ऊपर से 1 स्कूप केसर पिस्ता आइसक्रीम रखेंगे, उसके ऊपर थोड़े से कटे हुए पिस्ता रखेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसे आप ऐसे ही चिल्ड सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद अभी हम बनाएंगे कोकोनट वैनिला आइसक्रीम मिक्स लस्सी। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप गाढ़ी दही लिया है, थोड़ा सा चीनी, उसके साथ हमें फ्रेश नारियल के पीसेस चाहिए, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उसके साथ वैनिला आइसक्रीम लिया है, ये भी आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिलेंगे। उसके साथ 2 इलायची और सजाने के लिए मैंने यहाँ पे काजू लिया है और हमको डार्क चॉकलेट चाहिए। अभी एक छोटे से ब्लेंडर में हम ताजे नारियल के पीसेस और 2 इलायची को मिक्स करके उसको ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए अभी हमारा नारियल और इलायची अच्छे से पीस गए हैं। अभी एक ब्लेंडर में हम आधा कप दही लेंगे, दही हमेशा ठंडी होनी चाहिए। अभी उसमें स्वाद के हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 चम्मच चीनी, अभी उसमें ताजे नारियल और इलायची का जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। ये आप घर पे ज़रूर एक बार बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी उसमें ऊपर से वैनिला आइसक्रीम का एक बड़ा स्कूप डालेंगे। अभी उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको ब्लेंड कर लेंगे। याद रखिए आप हमेशा पानी थोड़ा डालिए। अभी इस ठंडी ठंडी लस्सी को एक ग्लास में हम भर लेंगे, ऊपर से एक बड़ा स्कूप वैनिला आइसक्रीम का रखेंगे। हमेशा इस आइसक्रीम मिक्स लस्सी को आप ठंडा ठंडा या चिल्ड सर्व कीजिए। अभी और अच्छा लगने के लिए ऊपर से थोड़े कसे हुए फ्रेश नारियल रखेंगे, ऊपर से सजाने के लिए 2 से 3 काजू, और उसको और अच्छा लगने के लिए मैंने यहाँ पे एक डार्क चॉकलेट का बार लिया है, इसे आप ठंडा ठंडा ऐसे सर्व कीजिए। अभी हम थर्ड बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम मिक्स लस्सी। उसके लिए मैंने यहाँ पे ठंडी और गाढ़ी दही लिया है, उसके साथ फ्रेश मैंगो पल्प लिया है, पके हुए आम के आप पीसेस ले लीजिए, उसके साथ थोड़ा सा चीनी, मैंने यहाँ पे थोड़े से कटे हुए बादाम लिए हैं, और उसके साथ मैंगो आइसक्रीम लिया है, जो आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगे। अभी एक ब्लेंडर में हम आधा कप ठंडी दही डालेंगे, दही हमेशा गाढ़ी होनी चाहिए। अभी उसमें आधा आम का पल्प डाल देंगे, स्वाद के हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चीनी लिया है। अभी उसमें मैंगो आइसक्रीम डालेंगे, एक बड़ा स्कूप लिया है मैंने। अभी सारी चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अभी इस ठंडी ठंडी मैंगो आइसक्रीम मिक्स लस्सी को आप एक ग्लास में पोर कीजिए, ऊपर से अभी एक बड़ा स्कूप मैंगो आइसक्रीम का रखिए, इसे आप ठंडा ठंडा चिल्ड सर्व कीजिए। ऊपर से कटे हुए थोड़े से आम के पीसेस, और अच्छा लगने के लिए ऊपर से थोड़े से कटे हुए बादाम रखिए। इसे आप ऐसे ही ठंडा ठंडा चिल्ड सर्व करके अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए। ये रेसिपी आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।